स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 आरसीवाल की बुक का, वर्गमूल तथा घनमूल, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं इस चैप्टर की स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने की शॉर्ट ट्रिक पहले ही काफ़ी टाइम पहले ही करा चुका हूँ, जिसकी वीडियो मेरी ऑलरेडी अपलोडेड है और उसके बाद आप उसको देख लीजिएगा। उसके बाद हम चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं वो तो हम कर ही रहे हैं। पहला क्वेश्चन था 6084 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालने। वीडियो में बताया था कि जब भी हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हमारी शॉर्ट ट्रिक है कि वो 2500 से अधिक है या 2500 से कम, और वो 10000 से अधिक है या कम, और ये अगर उस लिमिट में नहीं आ रहा है जो मैंने वीडियो में लिमिट बताई है तो हम क्या करेंगे, इसको एक नॉर्मल जो मेथड होता है हमारा उससे कर लेंगे। पहली बात, ये क्वेश्चन आने बिल्कुल बंद हो चुके हैं तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम इसको इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं फैक्टर करके, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को स्किप करूंगा जल्दी से, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। और एक तरीका उसमें क्या करते हैं, हमेशा राइट हैंड साइड्स की तरफ से हम दो दो के पेयर बनाते हैं। ये दो पेयर बना लिए, अगर आगे वाली संख्या चाहे वो एक बच जाए या दो के दो पेयर बन जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जोड़े जो हमारे हैं हमेशा पेयर जो हमारे राइट हैंड साइड से बनेंगे। हम क्वेश्चन का शुरुआत करेंगे कुछ इस तरीके से कि आगे जो संख्या लिखी हुई है उसके पास का स्क्वायर हम माइंड में सोचेंगे, जैसे कि 60 यानी 60 के पास। अब इसको मैं 60 मानूंगा, पूरा 6 ना मान के 60, क्योंकि मैंने एक पेयर बना लिया है। तो अगर मैं देखूँ तो 7 का स्क्वायर 49 होता है और 8 की स्क्वायर 64 होता है, वो इससे ज़्यादा हो जाएगा, कभी भी इससे ज़्यादा नहीं जाना है, तो हम इसको लिखेंगे 7 की स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारा 49। 10 में से 9 गया 1, इधर बचा 5, 5 में 4 गया 1। अब आपको क्या करना है, दो तरीके हैं, या तो जिससे हमने गुणा करी है उसको यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है, जिसका भी हमने करा है, और इसका दुगुना यहाँ लिख दीजिए और इसका दुगुना यहाँ पर लिख दीजिए, या ये ऊपर की जिस जो संख्या है उनको जमा कर लीजिए, 7 और 7 14, तब भी हमारा इतना ही आएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप एग्जाम में क्या करना चाहेंगे, या इन दोनों को जमा या जिससे हमने गुणा करी थी उसका दुगुना यहाँ पर, जो ये हमारा स्क्वायर रूट निकलेगा। आगे बढ़ते हैं, 84 लिखा है, आप देखिए कैसे इसको जल्दी से निकालते हैं। आगे दो संख्या है तो यहाँ पे हम तीन संख्या के पास, यहाँ से हम तीन संख्या के पास की कोई संख्या बताएं जिनको गुणा करके 118 के पास आएगा। तो हम चेक करते हैं, 14 अट्ठे 112 और 14 नहीं 126, अगर मैं 8 पे कर रहा हूँ तो लगभग 118 से थोड़ा सा कम आ रहा है, तो मैं चेक करता हूँ कि 8 से आंसर आ जाएगा। देखिए मैंने क्या करा, यहाँ पर दो संख्या थी, यहाँ पर 4 संख्या थी, ठीक है। या तो आपकी कैलकुलेशन इतनी अच्छी हो कि आप 4 के 4 का चेक कर लीजिए, अगर आपकी कैलकुलेशन इतनी अच्छी नहीं है, या थोड़ा जल्दी करने का तरीका ये कहता है कि जो भी यहाँ संख्या लिखी हुई अगर वो दो डिजिट की है तो यहाँ पे 3 डिजिट का चेक करो, अगर सिंगल डिजिट है तो 2 डिजिट का चेक कर लो, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट थी 14। तो मैंने यहाँ पे शुरू के 3 डिजिट का आंसर देखा कि 14 के पहाड़े में 118 के आसपास की संख्या कौन से पहाड़े पर आती है, वो आती है हमारी 8 पे। तो मैंने 8 से चेक करके देख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा 8 और यहाँ पे मैंने लिखा 8, अब गुणा करते हैं, 8 8 64, 6 8 32 और 6 38, 8 1 8 3 11, ये हमारा पूरा सोल्यूशन हो गया। तो कहने का मतलब 8 हमारा बिल्कुल सही कैलकुलेशन के लिए हमारी संख्या थी, वो हमने लिख दी यहाँ पर, जिस संख्या से हम गुणा करते हुए चलेंगे वो हम यहाँ पर लिखते चलेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 78 हो गया। एक मेथड हमारा ये था, एक मेथड आप बिल्कुल बचपन से करते आ रहे हैं 6th 7th स्टैंडर्ड से, कि दो दो के दो सबसे छोटी संख्या से भाग कर लिया, जैसे 2 3 6 0, 2 4 8, 2 2 4, फिर 2 से 15 से कर लिया, 2 2 4 2 1 2, अब 21 से जाएगा हमारा, 5 2 7, 1 8 1 9, तो 3 से चलाएगा, 3 5 15, 0 3 7 21, फिर 3 से चलाएगा, 3 1 3, 2 बचा होगा 20 हो गया होगा, 3 6 18, 3 2 27, और ये मुझे दिख ही रहा है ये 13 का फैक्टर है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई, स्क्वायर रूट के लिए इन दोनों में से एक 2 आ गया, इन 3 में से एक 3 आ गया, और इन 2 13 में से एक 13 आ गया, तो इसका आंसर कितना आ गया हमारा, 13 3 39 और 2 78, ये हमारा आंसर आ गया। चाहे तो आप ये वाला मेथड कर लीजिएगा एग्जाम में, या फिर ये वाला मेथड कर लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिएगा, या जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक की लिमिट है, अगर उसके बीच में आता है तो ठीक है, अदरवाइज हमें इन मेथडों में से किसी एक को अप्लाई एग्जाम में करना होगा। दूसरी बात, ये क्वेश्चन अब बिल्कुल एग्जाम में आने बंद हो चुके हैं तो हमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत। क्वेश्चन नंबर 2 कि 2023 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा अथवा भाग किया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। जैसे कि इस क्वेश्चन को कैसे करना था, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि 45 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा अथवा भाग कर दिया जाए
वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यानी पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमें क्या करना था, इसके फैक्टर करने थे। तो इसका फैक्टर क्या होते हैं, 3 × 3 × 5। अगर मुझे इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाना है तो दो दो के जोड़े चाहिए थे, इसके दो के जोड़े पूरे हो गए, इसके दो के जोड़े कम रह गए, कितने कम रह गए, एक कम रह गया। जितने कम रह गए हों जिसके जोड़े, उस संख्या को हम लिख लेंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में मुझे 5 के जोड़े बनाने के लिए 1 5 की जरूरत थी, इसलिए मेरा एक आंसर आ गया सिर्फ 5। अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे करता हूँ कि मुझे 3 2 2 के जोड़े बनाने थे, इसके दो जोड़े बन चुके हैं, अगर मैं यहाँ पे 5 से भाग दे दूँ तब भी हमारे दो दो ही जोड़े रह जाएंगे और तब भी मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर रह जाएगा, तब भी मेरा आंसर ये सही माना जाएगा। कहने का मतलब है कि जिसके जोड़े नहीं बन रहे हैं, जिसके भी जोड़े नहीं बन रहे हैं, वो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि अगर किसी क्वेश्चन का, अगर किसी क्वेश्चन के मतलब जो ऐसे फैक्टर हैं वो ऐसे आ जाए, 3 × 3 × 5 × 5 × 5 × 7, सपोज कीजिए ऐसे आ गए। इस सिचुएशन में हमारे 3 के दोनों जोड़े बन गए, ख़त्म। 5 के दोनों जोड़े बन गए, ख़त्म। लेकिन इस 5 का एक जोड़ा नहीं बन पाया है पूर्ण वर्ग के लिए, तो एक मेरा आंसर आ गया 5। इस 7 का भी एक जोड़ा नहीं बन पाया है, इसलिए मेरा आंसर आ गया 7 गुणा करके। तो आंसर कितना आएगा, 5 × 7 = 35। संख्या से गुणा कर दूं या भाग कर दूं, मेरा आंसर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो अगर आप ये बात समझ गए हैं तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे अप्लाई करते हैं और 2023 के फैक्टर करते हैं, और मेरे अकॉर्डिंग 2023 के अगर करते हैं तो 7 से करते हैं, 7 × 14 6 बचा होगा, 62 हो गया होगा, 7 × 8 = 56 और इधर 7 × 9 = 63। ठीक है, 7 × 8 = 56 करेंगे तो 6 बचा होगा और 7 × 9 = 63, अब 17 से हो जाएगा भाई, 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का होता है। इसको मैं क्या लिखूंगा, 7 × 17 × 17। अब मुझे आप ये देखो कि किसके पूरे मतलब जोड़े बन चुके हैं, इसके बन गए। इसका जोड़ा बनाने के लिए या तो मैं 7 से गुणा कर दूं, ठीक है, या फिर 7 से भाग कर दूं ताकि वो कट जाए, तो मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिर्फ 7। आंसर आ गया 7। अब यही क्वेश्चन कुछ इस तरीके से एग्जाम में आया था, क्वेश्चन नंबर 19 है, आर एस इकबाल की बुक का है, सोल्ड का ही। 21,600 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा अथवा भाग किया जाए कि संख्या पूर्ण घन बन जाए, यानी परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करना था, मैं यहाँ पे इसको मिटाता हूँ और यहाँ पे करता हूँ। देखिए यहाँ पे इसके फैक्टर करते हैं, पहले तो 21,600 के फैक्टर कर लेते हैं। अब देखिए मुझे पता है कि 216 जो होता है किसी की, वो होता है 6 की, तो मैं इसको पहले 6 से कर लेता हूँ। 6 × 3 = 18, 6 × 36 = 36, 6 × 36 = 00, 6 × 6 = 00। चलो इसके तो बन गए फैक्टर पूरे पूरे। ठीक है, अब बाकी इसके बनाते हैं, 5 से कर लेते हैं, 5 × 10, फिर 5 से कर लेते हैं, 5 × 20 और फिर 2 × 4। तो इसके फैक्टर क्या आ गए हमारे, 6 × 6 × 6, जिसके पूरे बन गए। घन के लिए हमें 3 दिन के चाहिए थे, इसलिए मैंने पहले ही इसको 6 से कर दिया, अदरवाइज आप 2 2 भी लेके कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर लिखा मैंने 5 × 5, फिर मैंने लिखा 2 × 2। अगर मैं क्वेश्चन में ये निकालता हूँ कि किस छोटी छोटी संख्या से गुणा किया जाए, तो मुझे 3 दिन के पेड़ बनाने थे, यहाँ पे 3 पेड़ बन गए। यहाँ पे 3 पेड़ बनाने के लिए मुझे 1 5 की जरूरत है, ठीक है, 1 5 की जरूरत है। इसके दो, इसके पूरे 3 जोड़े बनाने के लिए मुझे 1 2 की जरूरत है, 5 × 10 हमारा आंसर आ गया। क्यों आंसर आ गया, क्योंकि मुझे 3 3 के जोड़े बनाने थे, इसके 3 जोड़े बन चुके हैं, इसके 3 जोड़े नहीं बन पाए, मुझे 1 5 की जरूरत थी, इसके 3 जोड़े नहीं बन पाए, मुझे 1 2 की जरूरत थी, तो इन दोनों की गुणा कर दिया, 10 आंसर आ गया। ये कब आया, जब गुणा करने के लिए बोला उसने कि किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए। अब अगर क्वेश्चन यही आ जाए कि किस छोटी छोटी संख्या से भाग किया जाए, तो मेरा आंसर क्या होगा, देखो ये हमारे फैक्टर आ गए। अब मुझे यहाँ पे घन के लिए 3 3 के जोड़े चाहिए थे, इसके 3 जोड़े बन चुके हैं, इसके 3 जोड़े नहीं बन पाए, तो मैं उनको इससे भाग कर दूँ। अगर मैं इस संख्या को 5 × 5 से भाग करूँगा तो कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर मैं 2 × 2 से भी भाग कर दूं तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, अगर भाग करने के लिए आएगा तो 5 × 5 = 25 × 50 × 100, ये हमारा आंसर आ जाएगा, और गुणा करने के लिए आएगा तो 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, जिसके पेयर नहीं बने उन सारी संख्या को मुझे खत्म करना पड़ेगा। अगर मुझे उन सारी संख्या को खत्म करना पड़ेगा तो जिन जिन के पेयर पूरे नहीं बन पाए, जैसे 5 के 2 थे तो दोनों 5 को खत्म करना पड़ेगा, 2 2 थे तो दोनों 2 को खत्म करना पड़ेगा, तो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा कि इस संख्या को अगर मैं 100 से भाग कर दूं तो संख्या पूर्ण घन बन जाएगी, या अगर गुणा करने के लिए बोला था तो 5 और 2 10,
10 से गुणा कर दो तो पूर्ण घन बन जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 36, 44 और 60 से पूरी तरह भाग हो जाए, यानी इन सभी संख्याओं से अगर मैं उस संख्या को डिवाइड करूँ तो पूरी पूरी तरह कटनी चाहिए, साथ ही साथ वो एक पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर हो। इस क्वेश्चन का जो दूसरा मेथड है बाय ऑप्शन वाला बहुत जल्दी है, 2 या 3 सेकंड में हो जाएगा, लेकिन जो उसका बेसिक मेथड है वो काफ़ी लंबा है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, रिमाइंड करा देता हूँ, मैंने HCF LCM के चैप्टर में बताया था कि वह छोटी से छोटी यानी छोटी से छोटी जब भी बोलता है तो हमें पहले LCM निकालना पड़ता है, ठीक है। मैं इसका पहले मेथड 1 कराना जो आपको एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको करना है ऑप्शन वाला मेथड। चलो मैं बता देता हूँ, वैसे 16, 36, 44 और 60 का अगर मैं LCM लेता हूँ कितना आएगा, 4 × 36 और 4 × 1 = 20 LCM निकाला तो हमारा आंसर आया 7920। LCM निकालना है सबसे पहले, क्योंकि छोटी से छोटी बोल दिया, ठीक है। अब इस LCM के बाद इसके मुझे परफेक्ट स्क्वायर करने हैं, इसके परफेक्ट स्क्वायर करता हूँ, इधर दिखा देता हूँ आपको, 7920 के ऐसे जोड़े बनाता हूँ, तो 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 18, 2 × 6 = 12, 0, फिर 2 से करता हूँ, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 18 और 2 × 8 = 16, 0, फिर 2 से करते हैं, 2 × 2 = 18, 2 × 2 = 0, इसको मिटो देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3 × 3 = 9, 3 × 9 = 0 आ गया, 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 0 आ गया, और 11 × 3 = 110 आ गया, और 2 × 5 = 10 आ गया। इसके हमने फैक्टर करे, पहले सबसे पहले LCM निकाला, फिर फैक्टर करे, और जिस जिसके फैक्टर पूरे नहीं हो रहे उस संख्या से, उस संख्या को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जिस संख्या से गुणा करनी होगी उससे गुणा ही कर देंगे। जैसे कि इसके 2 जोड़े बन गए ख़त्म, इसके हमारे 2 जोड़े बन गए, 1 2 ये रहा, 1 2 ये रहा, ये भी ख़त्म, इसके 2 जोड़े बन गए, ये भी ख़त्म। अब 11 और 5 के जोड़े नहीं बने, तो मैं क्या करूँगा, 7920 में 11 × 5 कर दूंगा और जो भी आंसर निकल कर आएगा वो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आता है 435600। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, वह छोटी से छोटी संख्या जो इससे भाग हो जाए तो हम सबसे पहले LCM निकालते हैं, क्योंकि HCF में हम HCF LCM के चैप्टर में हम ये पढ़ चुके हैं, हमने LCM निकाला 7920 आ गया, लेकिन इसने एक लाइन आगे जोड़ दी, तथा एक पूर्ण वर्ग भी हो, यानी वो जो संख्या है किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 7920 के मैंने फैक्टर करे, 7920 के फैक्टर करने के बाद अगर कोई ऐसी संख्या है जिसके परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहे, जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में था, जिसके भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहे, 11 के नहीं बन रहा था और 5 का नहीं बन रहा था, तो उस संख्या से मतलब 11 × 5 को इस ये जो भी हमने निकाला था गुणा कर लेंगे, तो ये संख्या जो आएगी परफेक्ट स्क्वायर बन के आएगी और ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम में बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है, ठीक है, आपको करना है बाय ऑप्शन। आप बाय ऑप्शन क्यों नहीं दिखा पा रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये मैंने RSVL की बुक का जो क्वेश्चन लिया था तीसरा, इसमें ऑप्शन नहीं थे। एक मैंने क्वेश्चन उठाया था, ये वाला क्वेश्चन था, ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 94 है, ये हमारे चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 94 है। ये बोलता है वह छोटी से छोटी संख्या जो 2, 3, 4, 5, 6 से प्रत्येक से भाग हो जाए तथा पूर्ण वर्ग भी हो। सेम क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना है हमें, यही क्वेश्चन भी ऐसे हो जाएगा अगर हमारे पास क्या होता, अगर हमारे पास होता यहाँ पे ऑप्शंस, ठीक है, यहाँ पे हमारे ऑप्शन है तो क्या करना पड़ेगा, मैं आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ ऑप्शन से कैसे करना है। इन संख्याओं में से ऐसी कौन सी संख्या है जिसका आपको फार्मूला याद है कि इसके भाग का नियम यह है, और अगर नहीं भी याद हो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 9 कहीं पे दिख जाए, कहीं पे 3 दिख जाए, तो सबसे पहले उसको उठाते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें 3 दिखाई पड़ रहा है, इस क्वेश्चन में हमें 3 दिखाई पड़ रहा है, 9 नहीं है, कोई बात नहीं, 3 तो दिखाई पड़ रहा है, तो सबसे पहले मैं 3 का नियम का रूल अपनाऊंगा कि 3 से भाग का जो रूल है वो कहता है कि अंकों का जमा कर 3 से भाग हो जाए, या फिर 3 से भाग करके देखते हैं। देखिए 4 × 0 = 0, 4 ही आएगा, ये 3 से भाग नहीं हो सकता, ये हो सकता है, 6 × 1 = 7 ये नहीं हो सकता, 6 × 3 = 9 ये भी हो सकता है। अब इसने क्या बोला था, वह छोटी से छोटी, इन दोनों में कौन छोटा है, ये छोटा है, लेकिन अगर आपको कंफर्म नहीं हो रहा कि आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है तो आप क्या करना, अच्छा एक चीज़ और देखनी है कि मैंने 3 से तो भाग करके देख लिया, लेकिन मैंने इसके बाद ये भी देखना है कि 900 किसी संख्या का स्क्वायर है या नहीं, 900 30 का स्क्वायर होता है, 3660 का होता है, हाँ ये दोनों आंसर में से कोई सा एक आंसर हो सकता है, लेकिन मैंने उसको भी कंफर्म करने के लिए बता दिया
कि उसने बोला था छोटी से छोटी, तो इन दोनों में जो छोटा होगा वो मेरा आंसर होगा। लेकिन अगर आपको एक बार और कंफर्म करना है तो इन संख्याओं में से और भी किसी संख्या से आप भाग करके चेक कर लेंगे और कोई ना कोई ऐसी संख्या जरूर होगी जिसमें ये या फिर ये हमारी पूरी पूरी भाग नहीं हो पा रही होगी, जिसकी वजह से जो पूरी पूरी भाग हो रही होगी वही हमारा आंसर माना जाएगा। लेकिन मैं 99% श्योर हूँ कि आप टेंशन मत लीजिएगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो उन दोनों में जो छोटा होगा अगर वो किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है तो आप डायरेक्ट उसको आंसर मार दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल की बुक का अनसोल्ड का हमारा 71 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी थी जो 10, 12, 15, 18 में से प्रत्येक से पूरी तरह भाग भी हो जाए और साथ ही साथ एक पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर भी। तो मैंने आपको क्या बताया था, पहले तो वो देखना है कि जो परफेक्ट स्क्वायर हो। ये किसी के पहाड़े में आता है जो परफेक्ट स्क्वायर, आपको लगेगा कि 60 नहीं है, 60 होता तो 3600 होना चाहिए था। ठीक है, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये 20 का, ये 30 का, ये 40 का। चलो अब क्या करना था, दी गई संख्याओं में से जिसका तुम्हें पहाड़ा याद हो, मैंने बोला था 9 का, 9 के बाद 3 का, उसके बाद कोई सा भी देख सकते हैं। कहीं पे 9 लिखा हुआ है, आप बोलोगे नहीं लिखा हुआ, लेकिन किसी पहाड़े के बीच में 9 लिखा हुआ है, जैसे कि इसको मैं लिख सकता हूँ 2×9, लिख सकता हूँ ना 2×9। अगर 2×9 भी नहीं होता तो मैं 3 देखता फिर कहीं पे। तो कहने का मतलब मुझे यहाँ पे 9 दिख गया, 18 में मुझे 9 दिख गया। अब दी गई संख्याओं में से ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से भाग नहीं हो रही, मैं उस ऑप्शन को काट दूंगा। जैसे कि 9 से भाग नहीं हो रही कट गया, जैसे कि 9 से भाग नहीं हो रही ऑप्शन कट गया, सिर्फ यही बचा, तो मेरा आंसर सिर्फ यही माना जाएगा, क्योंकि मुझे एक ही ऑप्शन ऐसा था जो कि ऐसा हो रहा था। अगर आपको फिर भी देखना है तो देखो 30 का भी स्क्वायर है, ठीक है, और कोई ऐसी संख्या भी नहीं है, इसके जितनी भी संख्या है ये सभी से कट भी जाएगा, आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या करना है, जो भी संख्या है, जितनी भी संख्या दे रखी है उनमें आपको 9 ढूंढना है, किसी के पहाड़े में 9 आ रहा है तो उससे कटने वाला ऑप्शन जो उससे नहीं कट रहा होगा पहले तो उसको हटा दो। अगर इस ऑप्शन में तीनों के तीन ऑप्शन ऐसे थे जो 9 से नहीं कट रहे, मेरा आंसर बहुत ईजी हो गया। लेकिन अगर दो ऑप्शन आ जाएंगे तो आपको मैंने क्या बताया था कि उन दोनों में जो छोटा होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, एक ही क्वेश्चनों को कई तरीके से रिपीट कर रखा है, वो आने भी नहीं है। मैंने उनका मेथड बता दिया है, आप उनको कर लीजिएगा। ठीक है, कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं आपको एग्जाम में, वो मुझे नहीं लगता कि इस एग्जाम में आएंगे। लेकिन एक चीज़ बताने की थी कि जब भी हम किसी का स्क्वायर रूट निकालते हैं या वर्गमूल निकालते हैं तो कई बार ये पूछ लेता है कि इसके आंसर में कितने अंक आएंगे। जैसे सपोज कर लिए, सपोज करने के लिए दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, कोई संख्या नहीं लिख रहा, जैसे सपोज करो लिखा हुआ ये, बोलता है इसका स्क्वायर रूट निकालो तो इसका जो आंसर होगा उसमें कितने अंक होंगे। इसके आंसर में अंक होंगे देखो कितने, 1, 2, 3, 4, इसके आंसर में सिर्फ 2 ही अंक होंगे। यानी 2 अंक का मतलब है कि जो भी इसका आंसर आ जाए, 26 आ जाए, 27 आ जाए, कुछ भी आंसर आ जाए, आंसर सिर्फ 2 अंकों का होगा। अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाता कि यहाँ पे एक भी लिखा होता, या सपोज कीजिए कुछ भी लिखा होता और इसका वर्गमूल निकालने के बाद ये पूछता है कि जो उसका वर्गमूल आया है वो कितने अंकों का है, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 5 का आधा 2.5, तो इसके वर्गमूल में 3 अंक हो गए, इसके वर्गमूल में 3 अंकों की कोई संख्या रही होगी। कहने का मतलब है कि जितने भी अंकों की संख्या होती है वर्गमूल में उसके आधे अंक होते हैं। ठीक है, यदि आधा करने पर दशमलव में आंसर आ जाए, जैसे दशमलव में आया था तो उस दशमलव के बाद आने वाली संख्या आंसर होगी, यानी दशमलव के जस्ट बाद आने वाली संख्या 2.5 के बाद कौन सी होती है, 3, तो 3 हमारा आंसर हो जाएगी। तो आप इस क्वेश्चन को भी कर लीजिएगा, ये कई बार पेपर में पूछ रखा है, कुछ भी अंकों के देता पूछता है इसके स्क्वायर रूट में कितने अंक होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में दशमलव लगी हुई है और कितनी कुछ अंकों के बाद है, 2 के बाद है, 4 के बाद है या 6 के बाद है, जितने भी अंकों के बाद है, तो उसके आंसर में जो दशमलव आएगी वो आधी हो जाएगी अगर वर्गमूल निकालेंगे। अगर हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, अगर 4 अंकों के बाद दशमलव लग रही है क्वेश्चन में तो आंसर में 2 के बाद आएगी, अगर 6 के बाद लग रही है दशमलव तो आंसर में 3 के बाद आएगी, यानी अगर हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो दशमलव आधी हो जाएगी। अगर हम घनमूल निकाल रहे हैं यानी क्यूब रूट निकाल रहे हैं, अगर उसी क्वेश्चन में हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो दशमलव 1/3 अंकों के बाद आएगी। यानी कहने का मतलब है क्यूब रूट के लिए हमें 3-3 के जोड़े देखने पड़ते हैं तो 1/3 के बाद दशमलव आएगी, स्क्वायर रूट के लिए हमें 2-2 के जोड़े देखने पड़ते थे, एक मतलब आधी के बाद आएगी यानी 2 से भाग कर देंगे, तो इतना भी सोचने जुड़ने, वैसे मैंने समझा दिया है, वैसे आप आंसर खुद निकाल लेंगे मुझे पता है। लेकिन जैसे ये क्वेश्चन था कि 0.000216 का आंसर निकालना था तो दशमलव कितने अंकों के बाद है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 के बाद है, क्या निकालना है, घनमूल, घनमूल के लिए 1/3 हो जाएगी, 1/3 का मतलब कितना होगा,
छः गुणा में एक बटा तीन, यानी दो के बाद आंसर आना चाहिए था। कि दो के बाद किस में दिख रही है? इसमें नहीं दिख रही, सिर्फ इसी में दिखाई पड़ रही है, ये भी आंसर नहीं होगा और ये तो आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, अगर आपको फिर भी कंफर्म करना है तो घनमूल क्या होता है 216 का 6, ठीक है। 10 लोग कितने अंकों के बाद है? 1 2 3 4 5 6, ये तो होता है 10, इसका घनमूल 216 का। 6 का एक तिहाई कितना हो गया? 2, यानी 2 अंकों के बाद 10 लगा लेंगे तो 6 और एक 0 इधर आ गया और इधर आ गया पॉइंट। कभी 6 के आगे मत लगा देना, नहीं तो आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, चलो जैसे कि ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में मैं क्यूब रूट भी दे रखा है और स्क्वायर रूट भी दे रखा है और ये हमें संख्या दे रखी है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में क्यूब रूट को भूल जाऊं तो इसका आंसर कितना होगा? मुझे पता है 64 का वर्गमूल होता है हमारा 8, लेकिन दशमलव कितने अंकों के बाद है? 1 2 3 4 5 6, क्योंकि मैं सिर्फ स्क्वायर रूट देख रहा हूं तो वो आधी हो जाएगी, तो 6 का आधा 3, एक ये है हमारी, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन अब क्या लगा हुआ है? क्यूब रूट भी लगा हुआ था। अब मैं क्यूब रूट के लिए क्या करूंगा कि 2 का इसका 8 का जो क्यूब रूट होता है वो 2 होता है, मैंने लगा दिया 2। दशमलव कितने अंकों के बाद है? 1 2 3, तो इसके एक तिहाई हो जाएगी, 3 का एक तिहाई यानी 1 बचेगा, ये हमारा आंसर आ गया 0.2। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या इनके बटे में जितनी दशमलव के अंकों के बाद लगी हुई है उतनी बार हम 0 लगा दें, 1 2 3 4 5 6, और फिर पूरे के ऊपर क्यूब रूट लगा देंगे। हम ऐसे भी कर सकते थे, आपका एग्ज़ाम है, आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, आप देख लीजिएगा एग्ज़ाम में, ऐसे ही करना बेस्ट है। वैसे ऐसे बटे में 0 लगाकर भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, क्वेश्चन नंबर 10, और बोलता है आरएसवाल की बुक का कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर हो। मैंने उसके साथ साथ यहाँ पे 6 अंकों की भी और 8 अंकों की भी लिख दिया है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को कराने के बाद मैं एक वीडियो इसमें एडिट करूँगा जो मैं पहले से ऑलरेडी करा चुका हूँ, क्योंकि उसमें 9 हो, 1 हो, कंटिन्यू 3 लिखा हो, कंटिन्यू 6 लिखा हो, तो हम कैसे जल्दी उसका स्क्वायर निकालते हैं, मैंने उस वीडियो में बता रखा, मैं इसके बाद उसको ऐड करने वाला हूँ। तो देखिए क्वेश्चन आ गया 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। 4 अंक कितने होते हैं बड़े से बड़े? ये होते हैं हमारे। अगर बड़ी से बड़ी का क्वेश्चन आ रहा है और जितने भी अंक आ रहे हैं उसको अगर हम दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि दो इधर बांट सकते हैं। अगर लिखा था 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 6 अंक कौन कौन से हो गए? इसको मैं दो बराबर भागों में बांट सकता हूँ, बांट सकता हूँ, 3 इधर 3 इधर, 8 लिखे हो तो दो बराबर भागों में बांट सकता हूँ, 4 इधर 4 इधर। अगर जब भी बड़ी से बड़ी का क्वेश्चन आ जाए और वो ऐसे पूछ ले कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या या 6 अंकों की, 8 या जितने भी अंक पूछे जिनको दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, तो बहुत जल्दी आंसर निकल जाए। कैसे निकलेगा देखिए, आपको क्या करना है, 9 का स्क्वायर 81 ऐसे लिखना है, इस वाले 9 का लिखना है, बस 9 का स्क्वायर 81। इसके इधर कितने अंक बच गए? इसके इधर कितने अंक बच गए? सिर्फ 1, तो इससे एक कम, एक से एक कम क्या होता है? 0। और इस वाली संख्या से एक ज़्यादा क्या होता है? 8 से एक ज़्यादा क्या होता है? 9। ये हमारा आंसर आ गया। अगर मैं बोलता हूँ 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, इधर भूल गया मैं, इस वाली संख्या का मैं स्क्वायर करता हूँ 81, इसके इधर कितने अंक बच गए? 1 और 1 2, दो अंक बच गए, तो इससे मुझे दो बार कम संख्या लिखनी है, यानी एक से एक कम संख्या क्या होती है? 0, उसको मुझे दो बार लिखना है। लिखना मुझे एक ही कम है, यानी कि अब क्या दो हैं तो दो कम करूंगा, ऐसा नहीं है, लिखना मुझे एक ही कम है कि एक से एक कम करें तो 0 आता है, लेकिन कितनी बार लिखना वो इस पर डिपेंड करते हैं, कितने अंक बचे हैं, या दो अंक बच रहे हैं, दो बार 0 लगा दी, और दो बार इससे अधिक लिखना पड़ेगा, 8 से, 8 से अधिक एक क्या होता है? 9, तो दो बार लिखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर ये क्वेश्चन है 6 8 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो मैं लिखूंगा 81, क्योंकि इसका स्क्वायर होता है, यहाँ 3 अंक बच गए तो 3 बार 0 लगा दूंगा, क्योंकि एक से एक कम क्या होता है? 0 होता है, और 8 से एक अधिक यानी 3 बार 9 लगा दूंगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया कि कोई ऐसी संख्या आ गई जिसको हम दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, तो आपने इस फार्मूले के एक बाद आपके लिए वो क्वेश्चन कुछ भी नहीं रह जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे आ जाए 5 अंकों की, 7 अंकों की, तब वहां पर हम क्या करेंगे? मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि लास्ट के जो 3 अंक होंगे उसमें कहीं पर भी 9 नहीं आएगा, लास्ट के 3 अंक में कहीं पर भी 9 नहीं आएगा, और जहां पर भी 9 खत्म हो रहे हैं स्टार्टिंग के, उसके जस्ट बाद 8 आएगा। दोनों में से कोई सा एक पॉइंट याद रख लेते हैं कि लास्ट के 3 अंकों में कभी भी 9 नहीं आएगा, लास्ट के 3 अंकों में कहीं पर भी 9 नहीं आएगा। लास्ट के 3 अंक देखे हमने, लास्ट के 3 अंकों में कहीं पर भी 9 नहीं आएगा, या जहां पर भी 9 खत्म हो रहा है उसके जस्ट बाद में 8 आएगा, जहां पर भी 9 खत्म हो रहा है उसके जस्ट बाद में 8 आएगा, जहां पर भी 9 खत्म हो रहा है उसके जस्ट बाद में 8 आएगा। तो आपको ये वाला पॉइंट रट लेना है, क्योंकि
क्वेश्चन या तो चार का आता है या छः का या फिर पाँच, चार पाँच छः में से तीनों में से एक क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ना ही सात का आएगा ना ही आठ का आएगा। तो मैंने आपको हिंट भी बता दिया कि लास्ट के तीन अंकों में से कभी भी कुछ नो नहीं मिलेगा, और जहाँ पर भी नो खत्म हो रहा होगा ऑप्शनों में चेक करेंगे, जहाँ पर भी नो खत्म हो रहा होगा फिर जस्ट बाद में आठ होना चाहिए। तो मैं क्वेश्चन बुक का लेता हूँ, तो आपको ये जो मैंने बताया पॉइंट वो वहाँ पे पूरा कन्फर्म हो जाएगा, लेकिन मैं इसका बेसिक मेथड भी अभी बता दूंगा, लेकिन आपको एग्जाम में नहीं करना है। हेलो, देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन था पांच अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, पांच अंक, एक दो तीन चार पांच, में दो बराबर भागों में नहीं बांट सकता, ठीक है, बराबर में, कहीं भैया बोलो इसको स्किप कर दें ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब मैंने क्या बताया था कि जब भी इतने अंकों का आ जाए तो लास्ट के तीन अंकों में कहीं पर भी नो नहीं आएगा, लास्ट के तीनों अंकों में नहीं आ रहा है, लास्ट के तीनों अंकों में कहीं पर भी नो नहीं आ रहा, ये हो सकता है, लास्ट के तीन अंकों में कहीं पर नो आ गया ये नहीं हो सकता, लास्ट के तीन अंकों में कहीं पर भी नो नहीं आ रहा ये भी हो सकता है, ठीक है। फिर मैंने बताया था जहां पर भी नो खत्म हो रहा है उसके जस्ट बाद में आठ आएगा, जहां पर भी नो खत्म हो रहा है उसके जस्ट बाद में आठ आना चाहिए, सात, ये भी नहीं हुआ, यही बचा है, और देख लो जहां पर भी नो खत्म हो रहा है उसके जस्ट बाद में आठ है, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो आप इन दोनों में से चाहे कोई भी एक मेथड लगा सकते हैं कि जहां पर भी नो खत्म हो रहा है वहां उसके जस्ट बाद में आठ होना चाहिए, ठीक है, या फिर लास्ट के तीन अंक में नो नहीं होता। आप अगर इस पॉइंट को रट लेंगे अच्छी तरह से तो लाइफ में कभी भी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी इस तरह के क्वेश्चनों की, लेकिन अगर आपको फिर भी बेसिक से करना है या इस पॉइंट को आप भूल गए तो कैसे करेंगे, देखिए डबल लाइन लिखा पांच अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, अब मुझे इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो क्या करूंगा मैं वर्गमूल वाले मेथड से, जैसे हम दो दो पेयर वाले मेथड से इसका वर्गमूल निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे पेयर वाले मेथड से, राइट हैंड से दो बनाए, राइट हैंड से दो बनाए, आगे अकेली एक संख्या बच गई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो करते हैं, नौ के पास की स्क्वायर तीन होती है, ये तीन आ गया, नहीं तो दो दूनी चार करता मैं, तीन तीन नौ, ये हमारा कट गया, इन तीनों में ए जिससे हमने गुणा करी वो यहाँ लिखते हैं, क्या करते हैं इसका दुगुना या इन दोनों की जमा, बात एक ही होती है, इसका दुगुना कर लो, चलो छः आ गया, ऊपर से उतारा पूरा का पूरा पेयर, पेयर उतारते ना कि एक संख्या उतारते हैं, 99 उतारा, अब यहाँ पे एक संख्या है, यहाँ पे दो संख्या है, तो अब मैं अगर यहाँ पे 61 से करता हूँ तो मेरा आंसर 61 के पास आ जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं दो पे करता हूँ तो दो दुनी चार, दो चिंग बारह, तीन अंकों की पहुँच जाती, इसलिए मैंने इसको सिर्फ एक से करा, चलो एक से कर 61 आ गया, नौ में से एक गया आठ, नौ में से छः गया तीन, अब या तो मैं इनको जोड़ लूँ 61 और एक 62, या ये जो मैंने गुणा करी है पहले यहाँ भी देखना पड़ेगा, या मैं 31 का दुगुना कर दूँ, या तो मैं जो जो वर्गमूल मेरे निकलते जा रहे हैं वो मुझे यहाँ लिखने चाहिए, जैसे पहले तीन निकला था फिर एक निकला था, या तो मैं इसका डबल कर दूं या जो भी संख्या चल रही है उनका जमा कर दूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब वो उतारा पूरा का पूरा 99, पूरा पेयर उतरता है, अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे दो अंक है, यहाँ पे हमारे चार अंक है, तो दो अंकों को शुरू के तीन अंकों के आसपास की संख्या से गुणा करके देख लो, अगर मैं इसको लगभग 60 मानूं तो 6 × 5 = 30, 390 × 6 = 36, 6 × 7 = 42, जैसे ही मैं इसको 6 × 36 = 6 × 7 = 42, 7 पे लेके जा रहा हूँ तो 420 हो रहा है, शुरू के तीन अंक देखेंगे, अगर यहाँ दो है तो शुरू के तीन अंक से चेक कर लो, तो मैं इसको 6 से करके देखता हूँ क्या आंसर निकलता है या नहीं निकलता, जैसे कि करा मैंने 6 × 36 क्योंकि 6 × 7 = 42 हो रहा था ना, इसलिए 6 से कर रहा हूँ, 6 × 36 तीन लगा, 6 × 2 = 12 और 3 × 15 ऐसे लगा, 6 × 36 और 137 चेक करते हैं, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 7 गया 1, बिल्कुल ठीक है, हमारा जो आंसर है बिल्कुल सही चल रहा था, ठीक है, ये हमारा वर्गमूल इधर 316 आ गया, वर्गमूल नहीं निकालना था, मैं बताना था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगी, या तो मैं 316 का स्क्वायर कर लूँ, ठीक है, जो मेरा लास्ट हमारा वर्गमूल निकला है, या तो मैं 316 का स्क्वायर कर लूँ, इतना टाइम ना हो तो ये जो हमारी संख्या थी पांच अंकों की उसमें से ये जो लास्ट में आंसर आया उसे घटा दो, मतलब जो हमारा आंसर पूरा नहीं बन पाया ना ये लास्ट में, ये जो बच गया फिर भी इसको घटा दो, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 1 गया 8 और 99 हमारा आंसर आ गया। तो ये जो मैंने आपको मेथड बताया जरूरी नहीं 5 में लगेगा, ये 6 4 3 सब में लगेगा, ये मेथड तो एवरग्रीन है, लेकिन जो मैंने वो बताया था जोड़े वाला कि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए वो सिर्फ तभी लगेगा जब दोनों तरफ बराबर हो, ठीक है, और ये वाला जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है ये आपको रटनी ही पड़ेगी कि लास्ट के तीन में कभी भी नो नहीं हो सकता, या जहाँ पर भी नो खत्म हो रहा है उसके जस्ट बाद में आठ होना चाहिए था, या इतना भी ना करना चाहें तो आप इसको रट ही लें कि पाँच अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, तब भी आपका आंसर निकल जाएगा, क्योंकि कभी भी सात का और आठ का नो का कभी नहीं पूछा गया है। नंबर 11 पूछ रहा है 594 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए अगर आपके पास टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है और आपके आपको वहाँ तक के स्क्वायर याद हैं तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है,
लेकिन अगर आपको वहाँ तक के स्क्वायर याद नहीं है तो आपको बेसिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। मैं आपको वो मेथड जो फार्मूला है वो इसमें बताऊंगा, क्योंकि अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ दिख जाए कि क्या जोड़े तो डायरेक्ट डायरेक्ट बोल दिया जोड़ने के लिए, या किसी क्वेश्चन में ऐसे बोल दे चार अंकों की छोटी छोटी से छोटी, मतलब चार हो पाँच हो छः हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन अंकों की छोटी से छोटी बोल दे, इस बार अब तक की बड़ी से बड़ी चल रही थी, अगर छोटी से छोटी बोल दे तब वहाँ पर और पूर्ण वर्ग बनाना हो तो इसके लिए और इसके लिए एक ही मेथड है। ठीक है, मैं आपको मेथड इसमें बताऊंगा, लेकिन मैं समझा देता हूँ कि जब मेरे को स्क्वायर याद थे, जैसे कि 594 के जस्ट बाद आने वाली ऐसी कौन सी संख्या है जो किसी का स्क्वायर होती है, जैसे कि अगर मैं करूँ 20 का स्क्वायर 400 होता है, इसका स्क्वायर 484 होता है, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576 अभी भी कम है, और 25 के स्क्वायर 625। जस्ट इसके बाद वाली ऐसी संख्या जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है वो है 625। तो 594 625 से कितना कम है भाई, इससे जस्ट पहले वाली संख्या 576 थी, वो भी नहीं ले सकते क्योंकि इसके बाद वाली पूछी है, इसने जोड़ा जाए तो इसके जस्ट बाद वाली संख्या थी 625, जो कि 25 का स्क्वायर थी। अगर मैं घटाऊं तो 5 में से 4 गया 1, 12 में से 9 गए 3, और यहाँ बचा 5 में से 5 गया 0, यानी अगर 594 में ही अगर मैं 31 जोड़ दूँ तो वो 625 बन जाएगा, जो कि किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्क्वायर याद थे तो मैंने इस तरीके से आंसर निकाल दिया। लेकिन अगर मुझे स्क्वायर याद ना हो, जैसे कि चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या, देखो क्या करेंगे, चार अंकों की छोटी छोटी लिखी हमने, चार अंकों की छोटी छोटी ऐसे लिखी जाती है, ठीक है, जो पूर्ण वर्ग हो, तो क्या करना हमें, राइट हैंड से पेयर बनाएं, वर्गमूल निकालना है, एक स्टेप को जो मैं बोल रहा हूँ उसको रट लेना या लिख लेना कि वर्गमूल निकालते समय लास्ट स्टेप में एक फालतू लेंगे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लास्ट स्टेप एक एक्स्ट्रा लेंगे, एक एक्स्ट्रा से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है भाई, एक एक्स्ट्रा से मल्टीप्लाई करेंगे। वो क्या मैंने लिख दिया, मैं अभी समझा देता हूँ। मैंने क्या करा, इसको वर्गमूल निकालने का मैथ लगाया, पेयर बना दिए, ठीक है, और वर्गमूल निकालते हैं इनका। चलिए आगे लिखा है 10, तो किसके पास की होती है, 3 की स्क्वायर, यानी 3 3 में 10 में से 9 हो गया 1, 3 का 3 6 कर दूं, 3 और 3 6 कर दूं, या 3 का दुगना कर दूं, बात एक ही है। फिर 00 उतारा, 00 उतार ली। अब मैं अगर 61 एकम 61 करता हूं तो इसके छोटी आ रही है, वही आंसर निकालते थे हम अब तक, यही करते थे, छोटी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, क्योंकि हमारे क्वेश्चन का लास्ट स्टेप है, इसके बाद आगे कोई भी संख्या नहीं बची है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन का लास्ट स्टेप है, तो मुझे इस वाले स्टेप पे जस्ट एक संख्या एक एक्स्ट्रा से मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि मैं 61 एकम 61 कर रहा था तो छोटी आ रही थी, वो मुझे नहीं करना, मुझे नॉर्मल आंसर नहीं निकालना है। जब भी जमा करने के लिए बोलेगा तो मुझे एक एक्स्ट्रा लेना, यानी एक की जगह पे मुझे अब 2 से गुणा करना पड़ेगा। मैंने 2 से गुणा करके देखा, 2 दूनी 4, 2 चिंग 12। अब आपके मन में ये भी विचार आ रहा होगा कि यार जरूरी नहीं है कि 2 से करूँ 4 से कर लूँ 5 से, ऐसा नहीं है। जो जस्ट करने के मतलब जैसे 61 से मैंने करके देखा वो इससे कम आ रहा था, इसके जस्ट बाद वाली संख्या कौन सी जाएगी 62, और 62 से करके देखा तो इससे पहली बार में ज़्यादा आ गया, तो मैं उसी से आंसर निकालूंगा, ना कि 64 पे जाऊंगा या ना कि 65 पे जाऊंगा, ठीक है, जो जस्ट एक्स्ट्रा हो, जस्ट एक्स्ट्रा। अब क्या करना था, अब की बार हम 100 में से 24 घटाएंगे, -24 आएगा, -1 से कोई फर्क नहीं पड़ना होता है, ठीक है, तो इसलिए 24 ही आएगा जो अंतर आएगा। 1000 में क्या जोड़ा जाए, 1000 में 24 जोड़ दिया जाए, तो 1024 जो है हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा आंसर निकालने का तरीका था, एक दो बार और रिवाइंड कर लीजिएगा वीडियो को। दूसरी बात कि इस चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, अब तक 3 बार पेपर में आ रखा है और तीनों बार उसने यही पूछा है, चार अंकों की छोटी छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप इस वैल्यू को अगर रट लेंगे, याद कर लेंगे, मेमोराइज कर लेंगे जीके की क्वेश्चन की तरह, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ना, मेरे ख्याल से 3 सेकंड या 4 सेकंड में आंसर इस तरीके से भी निकल जाएगा। चलिए हम आगे, ये क्वेश्चन दो तरीके से आ रखा है। एक बार तो आया था, एक फौजी अपने 4500 सैनिकों को एक वर्ग में खड़ा करना चाहता है, और वर्ग बनाने के बाद उसने देखा कि उसका पूरा वर्ग बन गया और 11 सैनिक एक्स्ट्रा बच गए। वर्ग क्या होता है, जैसे हमने परेड देखी होगी 26 जनवरी पे, तो वो इधर से भी हमें 10 दिखाई पड़ते हैं और सामने से भी 10 दिखाई पड़ते हैं। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन लगभग वो एक वर्ग सा दिखाई पड़ता है। आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर भी आपको ऐसे सैनिक दिखाई पड़ रहे थे और यहाँ से भी आपको उतने ही सैनिक दिखाई पड़ रहे थे। आप किसी भी एंगल से देख लें, यहाँ से देखें तो भी 10, इधर से देखें तो भी 10, इधर से देखें तो भी 10, और इधर से भी हमारे 10, मतलब ऐसे वो खड़े थे। अब जरूरी नहीं है कि 10 ही हो, मैं 9 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपको, ठीक है।
कहीं से भी देखने पर वो बराबर दिखाई पड़ रहे थे, यानी वो एक वर्ग में खड़े हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी आ गया था एक बार कि हमारे पास 4500 गमले थे और हमें उनको एक स्क्वायर में सजाना था और उसके बाद हमारे 11 गमले एक्स्ट्रा बच गए थे। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी आ रखा था, तो उसका भी मतलब यही है। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है कि जितने हमारे एक्स्ट्रा बच गए, यानी बाकी तो हमारे किस में खड़े होंगे, स्क्वायर में खड़े होंगे ना, तो 4500 में से जो एक्स्ट्रा बच के उन्हें घटाना एक बार, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 1 गया 8, 4, 4, 8, 9, ये जो हमारे हैं किसी न किसी, ये जो हमारे सैनिक बचे हैं ये हमारे स्क्वायर में खड़े हैं। अगर ये स्क्वायर में खड़े हैं तो मुझे इसका स्क्वायर रूट निकाल दूंगा तो मुझे हर एक लाइन में कितने व्यक्ति खड़े हैं पता चल जाएगा। भाई स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर है, यानी स्क्वायर में खड़े हैं, यानी टोटल जो संख्या है 4489, ये हमारी किसी संख्या का स्क्वायर है, तभी तो स्क्वायर में खड़े हैं। अगर मैं इसका वर्गमूल निकालता हूँ, वर्गमूल निकालने के कई सारे तरीके हैं, या तो पेयर बना के कर लीजिए, या 2500 से अधिक 2500 से कम जो आपका मन करे, ठीक है। मेरी वीडियो को देखेंगे तो 2500 से अधिक वाले के अकॉर्डिंग करें तो ये 2500 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है चेक करते हैं, ये 2500 से ज़्यादा था, हम 50 में जमा करेंगे, क्या लास्ट की दो संख्याओं का वर्गमूल 189, किसी का वर्गमूल नहीं होता, 289 होता है हमारा किसका, 17 का, मैंने उस वीडियो में बता रखा है। लास्ट की दो संख्याओं का वर्गमूल चेक करते हैं सिर्फ, अगर जो भी वो संख्या किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो अपनी तरफ से एक इमेजिन कर लो, 189, 189 नहीं तो 289, तो ठीक है ये 289 का होता है तो इसका आंसर 67 आ गया। या फिर आप पेयर बना, ये ऐसे दो दो के पेयर बना के, या पूरे गुणनखंड विधि से भी इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते थे। भाई स्क्वायर रूट निकालना आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस मेथड से निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आ गया 67, ये जितने बचे थे उनको घटाने के बाद जो संख्या बच गई उसका मैंने स्क्वायर रूट निकाल दिया, वो हमारा आंसर आ गया। हेलो, देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। पहली बात तो एग्जाम में आने नहीं है, फिर भी क्योंकि बुक में तो मैं करा रहा हूँ। देखिए ये रूट 98 है, रूट 72 है, क्या इनका कोई परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, स्क्वायर रूट नहीं है कुछ भी, तो इनको एक जगह लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये भी रूट में और ये भी रूट में, इनको एक जगह लिख सकता हूँ। अब इसके बाद आप फैक्टर कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसको करूँ तो 14 97 98, यानी ये आ गया। अगर मैं इसको करूं तो 8 × 72, यानी 2 × 4 × 8 और गुणा में 3 × 3, ये मुझे मैंने वर्बली इसलिए कर दिया क्योंकि मेरे को याद थे, अगर आपको याद नहीं होंगे तो आपको 98 का करना पड़ेगा, 72 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 आंसर आ गया, 1 2 आंसर आ गया, इसकी जगह पे 1 2 आंसर आ गया और इसकी जगह पे 1 3 आंसर आ गया, और ये हमारा आंसर आ जाएगा गुणा करने के बाद, ठीक है। एग्जाम में नहीं आना है, जैसे कि एक क्वेश्चन था भाई इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका कोई नहीं है, तो मैं इनको दोनों को एक जगह लिख लूँगा, 162/288। किसी पहाड़े से कट के एक बार देखते कि बन रहा है, जैसे कि 2 8 16, 2 1 2, हाँ ये 81 किसी का बन जाता है, तो मैं सही काट रहा था, 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8, 81 किसका होता है 9 का होता है, और 144 किसका होता है 12 का, ठीक है। अगर अब भी काट रहे हैं तो काट दो, 3/4 इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन कई बार आ रखा है, मैं इसको दो मेथड बताऊंगा इस क्वेश्चन के। अगर ऊपर और नीचे के दशमलव बराबर हों टोटल काउंटिंग के बाद, टोटल काउंटिंग के बाद ऊपर और नीचे के दशमलव बराबर आ जाए तो उन्हें भूल जाओ। जैसे कि यहाँ पे कितने अंकों के बाद हैं, 1 2 3 3, यहाँ पे कितने अंकों के बाद, 1 2 3, 3 और 3 कितने हो गए 6, यहाँ कितने अंकों के बाद है 2, तो 6 और 2 कितने हो गए 8। देखो आपको मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऊपर और नीचे के दशमलव जो है वो बराबर अंकों के बाद हैं, टोटल में काउंटिंग करा, टोटल में काउंटिंग करा मैंने, यानी कि ऊपर 3 है तो नीचे 3 देख रहा हूँ वो नहीं देख रहा मैं, टोटल में अगर बराबर अंकों के बाद है तो हम उनको भूल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखा 3 है, यहाँ 3, 6 और 2 8। अब मैं नीचे चेक करता हूँ, यहाँ पे 3 के बाद, यहाँ पे 3 के बाद, 2 के बाद, टोटल 8, ऊपर भी 8 नीचे भी 8, सबको मैं भूल गया। अब मेरे लिए कहीं पर भी कोई दशमलव नहीं है, तो मैं आंसर निकालता हूँ 49 का 7, 16 का 4 होता है, 9 का 3 आता है, 81 का 9 होता है, 36 का 6 और 64 का 8। अब कैलकुलेशन आपके हाथ में निकल जाएगा, पहला मेथड। दूसरा मेथड, अगर आपको ये नहीं करना आ रहा है या फिर आपको ये लग रहा है कि ऊपर और नीचे की दशमलव बराबर नहीं है, अगर ऊपर और नीचे की दशमलव आपको लग रहा है कि बराबर नहीं है तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ गुणा लगानी है। ऊपर कितने अंकों की दशमलव थी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद थी, तो उसकी जगह पर नीचे 8 बार 0 लगा दो, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर वाले की जगह पर जितनी भी अंकों के बाद दशमलव थी मैंने नीचे लगाया है, ना कि उसके बगल में लगाया है। अब नीचे कितनी है, नीचे भी 8 थी, तो उसकी जगह पर मैं ऊपर लगा दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 8 अंकों के बाद ही दशमलव थी,
इसकी वजह से क्या होता है कि ये नीचे की जीरो ऊपर से जीरो से कट गई, और जहाँ पर कम या ज़्यादा होगी तो उतनी वहाँ पर बच जाएगी, वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर सपोज करो ऊपर 8 आती और नीचे 7 आती, कटने के बाद एक जीरो बच जाती, तो मेरा आंसर कैलकुलेशन करने के बाद एक जीरो आ जाता, वो मेरा आंसर हो जाता। एक जीरो तो नहीं आता क्योंकि दशमलव स्क्वायर रूट भी निकालना था, वो कहने का ही कट जाएगा, मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मेन मोटिव था समझाने का कि अगर ऊपर और नीचे दशमलव बराबर है तो उन्हें भूल जाओ, कहीं पर ऊपर नीचे कम हो रही है तो उसकी जगह पर जीरो लिख देना, और जो जो कटती जाए उन्हें काट देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 था हमारा, 3/7 उसका स्क्वायर रूट निकालना था। तो इस तरह का क्वेश्चन में कुछ या तो मिसप्लेस है, ठीक है, ऐसा कभी हो नहीं सकता कि मैं ऐसे आंसर पूछ ले। ठीक है, अगर वो फिर भी पूछ रहे तो मैं दोनों तरीके बताऊंगा। पहले इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आया हुआ था जिसमें 8/3 का आंसर निकालना था, उसका स्क्वायर रूट निकालना था, जहां पर हमें √24 का आंसर दे रखा है, इसलिए मैंने बोला कि इसमें कुछ मिसप्लेस था, ऐसा कभी आएगा नहीं। तो पहले मैं आपको ये इस तरह का ये वाला क्वेश्चन कराता हूँ जहाँ की यहाँ पे √24 का आंसर दे रखा है। तो आपको क्या करना है, जब भी इस तरह का आंसर निकालना है आपको नहीं निकल पा रहा है, स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, 8 का निकलेगा, 3 का नहीं निकलेगा, तो आप क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण जिसे रैशनलाइजेशन कहते हैं, जो चीज़ मतलब 3 लिखा ना, नीचे भी 3 से गुणा और ऊपर भी 3 से गुणा। ठीक है, अब क्या हुआ, ये ऊपर तो √24 बन गया और नीचे 2-3 की जगह पे 1-3 बाहर आ गया। हमें ऐसी संख्या लानी होती है जो हमें गिवन होती है, वो ऑटोमेटिक आ जाती है। ठीक है, अब √24 का आंसर दे रखा है 4.8999 और बटे में 3 हम निकाल ही चुके हैं, तो 3 × 3.3633 ये हमारा आंसर आ गया। तो कहने का मतलब है जो चीज़ हमें गिवन होती है वही हमारी बन जाती है हर का परिमेयकरण करने के बाद। अब इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं दे रखा तो क्या करूँगा मैं वही हर का परिमेयकरण, ऊपर क्या बन गया √21/7। मैं गारंटी ले रहा हूँ कि वहाँ पर एग्जाम में आपको √21 की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर नहीं दे रखी तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आंसर कैसे निकालते हैं। देखिए, ये संख्या लिखी थी √24, इसके जस्ट पहले वाली संख्या बताओ जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होती है, इसके जस्ट पहले वाली संख्या है 16, उसके बाद डायरेक्ट 25 आती है, तो 16 का वर्गमूल क्या होता है हमारा 4। तो आप क्या करो, इमेजिन करके 4.568, 4.234, 4.812 इमेजिन फिगर कुछ भी लिख दो, लेकिन 4 आगे कुछ भी लगा दो। जैसे कि यहाँ पे 24 लिखा और यहाँ पे 899 इसने इसलिए लिख दिया क्योंकि लगभग 25 के बहुत पास पहुँच चुकी थी, इसलिए मैंने 899 लिख दिया। ज़रूरी नहीं है कि यही हो, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ तरीका एग्जाम में करने का, ऐसा पेपर में ऐसा होगा नहीं कि आपको वैल्यू ना मिले, आपको वैल्यू मिलेगी √21 की वैल्यू जो कि होती है 4.586। अगर नहीं मिली है तो मैंने आपको बोला 21 के जस्ट पहले वाली संख्या कौन सी होती है जिसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 4, 4 लगाया दशमलव में, 1, 2, 3 कुछ भी लगा दो जो तुम्हारा मन करे, क्योंकि आंसर भी अप्रोक्सीमेटली जो ऑप्शन होंगे वो इतने पास नहीं होंगे कि बिल्कुल ही इसके पास दे दे। अगर फिर बिल्कुल बिल्कुल ही इसके पास आ गया फिर तो आपकी किस्मत है कि आपको √21 की वैल्यू मिलेगी मिलेगी, और नहीं मिलेगी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि ऑप्शन भी बहुत बारीक पास पास आ गए। ठीक है, तो वैसे इसका आंसर होता है √21 का 4.586, हमने निकाला साचिंग वैली दशमलव लग जाएगा, चार तो जाएगा नहीं, 3 बचा होगा, 7×5=35, फिर हमारा 3 बचा होगा, लगभग 6.655 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, वैसे आपको √21 की वैल्यू या जो भी वहाँ पे होगा उसकी वैल्यू हमें मिलेगी। ये हमारा पेपर में आया क्वेश्चन नंबर 42 आरएस वाली बुक का अनसोल्व का क्वेश्चन नंबर 17। और मैं इस तरह का क्वेश्चन सर्ट्स एंड इंडिसेस किरण की बुक से एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वहाँ पर भी अच्छी तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन देख सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ पे आरएस वाली बुक में तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, स्क्वायर रूट ना होता, तब अगर ऊपर और नीचे की संख्या सेम है, इस पॉइंट को ध्यान से सुनना या नोट भी कर लेना, अगर ऊपर और नीचे की संख्या सेम है, देखो 3 √3 2 √3 2 ही है, अगर ऊपर और नीचे की संख्या सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का हेर फेर है, हो सकता है ऊपर माइनस हो नीचे प्लस हो, यहाँ पे ऊपर प्लस है नीचे माइनस कोई फर्क नहीं पड़ना, सिर्फ प्लस माइनस का हेर फेर हो, तो आप डायरेक्ट ऊपर वाली संख्या का स्क्वायर कर देना और बटे में उनका अंतर लिख देना, बटे में उनका अंतर लिख देना। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में स्क्वायर रूट लगा हुआ था तो मुझे अब यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। मैंने बोला था अगर सिर्फ इतना सा दे रखा हो, अगर स्क्वायर रूट लगा तो इसके भी स्क्वायर रूट आ गया, क्योंकि स्क्वायर रूट लग गया तो स्क्वायर की जगह पे एक संख्या बाहर आती है, आपको पता ही है, तो बाहर आ गया √3 + √2 और बटे में इन दोनों का अंतर कितना, 3 में से 2 गया 1, मैं अंतर ये वाला बोल रहा था, तो आंसर आ गया √3 + √2 हमारा आंसर आ गया। ठीक है,
अब इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा मेथड से बताता हूँ, बाय मेथड क्या कर रहा था, क्या करा था हमने, हमने पहले करा रूट थ्री प्लस में रूट टू, नीचे लिखा था रूट थ्री माइनस का रूट टू। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम हर का परिमेयकरण जिसे रेशलाइजेशन कहते हैं, यानी नीचे वाली संख्या का अपोजिट निशान ऊपर और नीचे गुणा करते हैं, ये करते थे हम टेंथ में। चलो अब क्या बन गया, ऊपर वाली संख्या का स्क्वायर बन गया, रूट थ्री प्लस का रूट टू की होल स्क्वायर बन गया, और नीचे क्या बन गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर। अभी आगे जाके क्या बन गया, ये स्क्वायर था तो बाहर आ गया रूट थ्री प्लस का रूट टू, और नीचे क्या रह गया, अगर मैं स्क्वायर करूंगा रूट तीन की स्क्वायर करूंगा तीन आएगा, मैं रूट दो की स्क्वायर करूंगा दो आएगा, लेकिन चलो मैं एक स्टेप को यहीं पर रहने देता हूँ, इसको स्क्वायर ही रहने देता हूँ, पूरा सोल्व करते हैं आगे वाले स्टेप पे। ये यहाँ पे रूट थ्री प्लस का रूट टू आ गया स्क्वायर की वजह से बाहर आ गया, और तीन में से दो गया था एक बचा हुआ, और एक का वर्गमूल क्या होता है एक, तो ये हमारा आंसर आ गया। ये था असली तरीका, लेकिन मैंने आपको जो पॉइंट बताया आप उसको याद रख लेंगे तो आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी आएंगे, कि अगर ऊपर और नीचे की संख्या सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का हेरफेर है, तो डायरेक्ट ऊपर वाली संख्या का स्क्वायर बटे में नीचे अंतर लिख देंगे। अंतर जरूरी नहीं है कि हर बार एक हो सकता है, अंतर दो हो सकता है, चार हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने अंतर लिख दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा स्क्वायर रूट लग रहा था, मैंने यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लगा दिया। अब इसका स्क्वायर में से एक बार आ गया, ठीक है, और नीचे एक तो कोई फर्क नहीं पड़ा, रूट थ्री प्लस रूट टू हमारा आंसर है। और अगर आगे भी हमें आंसर निकालना है तो रूट थ्री और रूट टू की वैल्यू तुम्हें रटी हुई होनी चाहिए। आपको टेंथ नाइन्थ में भी जब आती थी हमारी हाइट एंड डिस्टेंस वहाँ पर भी आती थी, तो रटी हुई होनी चाहिए कि रूट थ्री की वैल्यू होती है 1.732 और रूट टू की होती है 1.414, ठीक है, लोगरिथम में भी यूज़ हुई थी है टेंथ वगैरह में, तो आपको ये रटी हुई होनी चाहिए। तो आंसर आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। 21,952 का घनमूल यानी कि क्यूब रूट, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, हमेशा लास्ट के तीन के जोड़े बनाते हैं, लास्ट के तीन के जोड़े बना लिए, आगे कुछ भी संख्या रह जाए, ठीक है, लास्ट में लिखा है दो तो आंसर आएगा आठ, लास्ट में लिखा है तीन तो आंसर सात, ठीक है। 21 लिखा है, 21 किसके पास की क्यूब होती है, तीन तीन होती है 27, नहीं मतलब इससे जस्ट पहले होनी चाहिए, इससे बाद वाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने तीन का इमेजिन करा माइंड में भी तो 27 आगे नहीं, दो दुनी चार दुनी आठ वो ले सकता हूँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर 28। अब मैंने ये कैसे आंसर निकाल दिया, कितनी जल्दी से मैंने कैसे कर दिया, इसके लिए मैं इसके बाद एक वीडियो ऐड करूँगा जो मैं पहले से ही बना चुका हूँ और पहले से ही मेरी अपलोडेड है, वो मैं इस क्वेश्चन के जस्ट बाद अपलोड कर दूँगा। और जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ कि क्वेश्चन नंबर स्टार्टिंग में दूसरे या तीसरे के साथ मैं उसको बता चुका हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 19 भी कराने की अब जरूरत नहीं है। और इस तरीके से मैं आपको इस चैप्टर का भी एक पार्ट वन करा चुका हूँ, जितने भी चैप्टर के पार्ट टू हैं वो मैं बहुत जल्द से जल्द बनाने वाला हूँ, और पहले मैं सोच रहा हूँ कि सभी चैप्टर्स के एक बार एटलीस्ट पार्ट वन करा दूँ, और ताकि आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें कुछ आपको बेनिफिट हो जाए, जो आने वाले हैं बिल्कुल रेलवे वगैरह यूपी पुलिस के जितना भी है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्दी इनको बना के मिड जुलाई तक पूरा कंप्लीट करना चाहता हूँ, कि कंप्लीट आरएससी वाला और कंप्लीट रीजनिंग आपको घर बैठे मिल जाए, आपको कहीं भी बार बार कोचिंग लगाने की जरूरत ना पड़े।